फिर माधो सिंह को अपनी बेटी की बलि देनी पड़ी। कई लोग मले था का छन जो मले था मर रहे नंदा निशन भैर रंदन, तो आपके ब्लॉग के थ्रू वो भी देख ला तो बहुत अच्छे लग लो। तो आप सभी को नमस्कार सिसवाल यूट्यूब चैनल वाला। तो आज मैं पहुंच चुका हूं हमारे गढ़वाल का जो श्रीनगर है उसके पास ही एक मलेथा गांव है, तो वहीं पे एक मेला चल रहा है। तो मैंने सोचा जब हम आई रखे हैं यहाँ पौड़ी के पास तो यहाँ मेले का भी आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या हो रहा है अंदर। कैसा चल रहा है अंकल जी मेला अंदर? बहुत अच्छा चल रहा है जी, मतलब जैसे पहले चलता उससे बहुत ही अच्छा है इस बार। और क्या अच्छी व्यवस्था है इस बार सबकी? और कितने साल में होता है ये? होता है हर साल जनवरी में होता है ये। अच्छा, इस बार ये 3 साल के बाद हो रहा है। मेले का नाम वीर माधव सिंह भंडारी उसके नाम पे होता है। ठीक है भाई, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिट्टू राणा। अच्छा, आपकी शॉप है? जी जी सर, बिल्कुल। बढ़िया चल रही? बढ़िया सर, एकदम मेले के बिल्कुल अपोजिट में है। बस चलो ठीक है, धन्यवाद भाई जी। ओके, अच्छा लगा मिलकर। और ये गैंग आ रही है हमारे साथ, बॉयज की गैंग। देखो मेले में आने के लिए पागल हो रहे हैं, लगता है किसे मिलना है अंदर, इससे पागल हो रहे हैं। ये तो ऐसे सोच रहे जैसे ये वो बांसुरी बजा रहा है। के गांव छे तुम? जलगट। जलगट, बढ़िया। चले फिर, तारीफ तो हो गई, अपने घर चलते हैं। छोड़ भीड़ भाड़ दगड़ रगड़ हिट ओ दाजू म्यारा दगड़ ओ दगड़ ओ दगड़ 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 कौतिक में जाएंगे मीट भात खाएंगे रम का पैक लगा के दाजू भूल सारी फिकर दाजू हिट ओ दाजू म्यार पहाड़ा ओ दाजू म्यार पहाड़ा हिट ओ दाजू दाजू हिट ओ दाजू म्यार पहाड़ा हिट ओ दाजू म्यार पहाड़ा ओ दाजू म्यार पहाड़ा हिट ओ दाजू हिट ओ दाजू म्यार पहाड़ा। तो अभी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, मेला चल रहा है और पीछे देख सकते हो आप पूरा पूरे लोग आ चुके हैं यहाँ पे मले था के श्रीनगर के पौड़ी के, और खाता भी खुल चुका है। एक फोटो भाई के साथ, दो फोटो भाई के साथ, अभी अपना जीरो है। यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है कि जो ज्यादा फोटो खिंचवाएगा फिर वो पार्टी खिलाएगा। तो अभी जैसे कि आपको पता ही है कि हम आ रखे हैं वीर माधव सिंह भंडारी के मेले में, तो अभी थोड़ी देर में उन्हीं की जिंदगी के ऊपर एक पूरा का पूरा एक प्ले किया गया है, नाट्य रूपांतरण में उनका एक पूरी जिंदगी दिखाई जाएगी। तो थोड़ी देर में वो शुरू होने वाला है, तो बहुत ही मजेदार होने वाला है देखना। और साथ में जो हमारी पहाड़ी दिवाली होती है इगास, तो उसकी जो कहानी है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, वीर माधव सिंह भंडारी से। तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको पूरी कहानी। तो अभी माधव सिंह भंडारी अपने सैनिकों के साथ तिब्बत की फौज से लड़ने जा रहे हैं, और जो वीर माधव सिंह जी की माँ है वो उनको जाने से मना कर रही हैं, तो वो बहुत दुखी हैं, लेकिन माधव सिंह जी मान नहीं रहे हैं और वो अपनी सेना के साथ निकल चुके हैं लड़ाई के लिए। सेना खुशी से नाचन ले जाने, और वीर भंडारी चल पड़ सेना का साथ मातृभूमि की रक्षा का खातिर गढ़वाल की
सीमाओं की तरफ। तो अभी आपके सामने हल्दी के दृश्य दिख रहे होंगे और वीर माधव सिंह जिनसे प्रेम करते थे उनकी शादी किसी और से हो रही है जबरदस्ती, तो ये वो दृश्य चल रहे हैं अभी आपके सामने। तो अभी मेले से हम बाहर आ गए थे, अंदर मिल रहा था सिर्फ चाउमीन मोमो गोलगप्पे, तो हमें खाने का मन था दाल भात। तो मेले के जस्ट पास दिल्ली किचन नाम का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आ रखे हैं ये दाल भात खाने के लिए। ये सुंदर अरहर की दाल और भात, चलिए शुरू करें। तो यही मेले के वॉलंटियर मिले हमें कार्यकर्ता ऋतिक भाई, तो एक बार ये बताया था कि कितने दिन चलेगा ये मेला 3 जनवरी से शुरू हुआ है और 7 जनवरी तक चलेगा। इस मेले को इस बार नया रूप दिया गया है, पहले जो होता था वो थोड़ा मतलब कई सालों से वही चल रहा था, इस बार नए रूप से ये प्रोग्राम हो रहा है, काफी रिस्पांस सही मिल रहा है इस बार। मतलब क्या रूप अलग क्या है इसमें? पहले एक आदमी बैक हिस्से से बोलता था, सारा इंस्ट्रूमेंट पीछे से बजता था, इस बार रिकॉर्ड कर रखा सारा उस पे। अच्छा, अच्छे से रिकॉर्ड हो रखा है, फिर सब वहाँ पे नाटक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलो बढ़िया है, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो ऋतिक भाई से मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था जी, जो हमारे वीर माधव सिंह भंडारी जी हैं, पूरा नाटक चल रहा है उनपे जी, तो जो उनकी तिब्बत में लड़ाई हुई थी उसके बारे में थोड़ा बताया थे, और जो इगाजी बनाते हैं हम लोग पहाड़ी दिवाली उसके बारे में थोड़ा बताया था। जो माधव सिंह भंडारी थे ये मई पसा के सेनापति थे, 16वीं सदी की बात है, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जब ये तिब्बत युद्ध में गए थे तो काफी दिनों तक इन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर इनकी खबर कहीं घर तक नहीं सुनाई दी कि ये जिंदा है या मर गए हैं। तो माधव सिंह जो है दिवाली के कुछ दिन बाद, कम से कम 11 दिन बाद तो वापिस आते हैं, तो मल्लित हमें काफी हर्ष हो जाता है कि हाँ माधव सिंह आ गया है जीत के युद्ध। इस उपलक्ष में यहाँ दिवाली मनाते हैं और उसको इकास कहते हैं, तो ये है इकास की जो शुरुआत हुई है यहीं से हुई है, जो तिब्बत रण हुआ था और माधव सिंह भंडारी का, दोनों पे कनेक्शन है। और साथ में माधव सिंह भंडारी का ही ये गांव है मल्लित, जी जी, उनका जो घर है उसमें एक टनल भी बना रखी है। घर नहीं मतलब माधव सिंह यहीं कहीं रहते थे, उनका पता नहीं घर कहाँ है, पर अच्छा। मुझे नहीं पता, जब माधव सिंह यहाँ स्टे करते थे मतलब उनका जो दरबार था वो श्रीनगर था, श्रीनगर से यहाँ आते थे, तो माधव सिंह ने देखा कि यहाँ जो मतलब खेत हैं उनपे उखड़ खेती होती थी, रोपाई नहीं होती थी, तो उनकी जो पत्नी थी उनको सुनाने लग जाती है कि कैसा ये जगह है, जैसे सुनाते हैं ना लोग, तो वैसे सुनाने लग गए थे। फिर उनको अजीब सा लगा, उन्होंने देखा कि किस हिसाब से मैं इस पानी को यहाँ कन्वर्ट करूँ, डाइवर्ट करूँ, मतलब उस अपने खेतों में अपने मतलब मले था हमें, समझ लो आप। तो बीच में पहाड़ी आ रही थी, उसको खोदना शुरू किया, गांव वाले पहले थोड़ा हंसे भी कि पागल तो नहीं हो गया पहाड़ी खोद रहे है, फिर उनको भी लगा कि हाँ, जब थोड़ा खोदनी शुरू हो गई उसके बाद खोदी गई, फिर उनको लग गया कि हाँ खुद गया, पानी भी आने लग गया था। पर बीच में ऐसा हुआ कि पहले होता था कि देवता वाला सीन होता था, किसी स्थान में मतलब देवता का स्थान है, वो आपने उसको बिना पूजे हुए उसको मतलब खंडित कर दिया, तो स्थान था वहाँ पे भैरवनाथ होते ना, भैरवनाथ देवता उनका स्थान था वो, तो भैरवनाथ देवता उनसे रुष्ट हो गए, उन्होंने सीधा उनके बेटे की बलि मांग दी कि मुझे नर बलि चाहिए तभी पानी आएगा आगे, फिर माधव सिंह को अपने बेटे की बलि देनी पड़ी। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने बेटे की बलि दी, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था कि अपनी बेटे की बलि, उन्होंने कहा कि नर बलि चाहिए मुझे, तो माधव सिंह के पास कोई वो तो था नहीं कि अपनी नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने सबसे उचित समझा तो अपने बेटे की बलि दे दी, मतलब और किसी की भी दे सकते हैं, किसी और के परिवार से किसको मानते नहीं ना फिर लोग, उन्होंने कहा कि मेरा इकलौता लड़का है उसी को दे देता हूँ, फिर ये हुआ। तो तब उसके बाद से फिर पानी शुरू हो गया था पूरा मलेथा गांव में आता है पानी जी, और तब से अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ ना कि वो जो नहर है वो सूखी हुई है, नहीं नहीं है ना, तब से अगर, पानी अगर हुआ होगा तो कभी जैसे गदे रहता है ना तो नहर का रूट टूट जाता है, फिर लोग जाते हैं उसको ठीक करने के लिए, फिर इधर आ जाता है पानी, ऐसा हुआ है। तो मतलब ये काफी एक बहुत ही प्राउड वाली बात है हम सब उत्तराखंडियों के लिए, और इसीलिए ये मेला बनाया जा रहा है। और बाकी अभी ये 7 तारीख तक चलेगा, और ये जो यहाँ पे नाटक हो रहा है ये हर दिन होगा, नाटक होगा हाँ, तो आप देखने आ सकते हो, उनकी कहानी जान सकते हो, कभी भी कोई मतलब शो मिस नहीं होगा, क्योंकि लगातार दिन एक ही चीज चलेगा हाँ। अगर कोई भी दिन कोई आना चाहे, जैसे 5 को आ गया 6 को आ गया तो आपको रोज वही नाटक देखने को मिलेगा, और आपको बोर होने का कोई मतलब चांस नहीं हाँ, मजा तो बहुत आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इमोशनल जो दृश्य है वो लास्ट का दृश्य है, जिसमें अपनी बेटे की बलि का जो दृश्य है वो दिखाया जाएगा, तो आप बने रहिए सुरेश भैया के साथ। धन्यवाद भाई, धन्यवाद ऋतिक भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बताने के लिए। और अभी यहाँ पे बारात आ चुकी है, और वीर माधव सिंह जिनसे प्रेम करते थे उनकी जिससे शादी हो रही है जबरदस्ती, तो ये उन्हीं की बारात है, तो हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा बारात में नाच लेते हैं। सामने जो दृश्य चल रहे हैं यहाँ पर, वीर शिरोमणि माधव सिंह जी अकेले जो दूल्हा है और दूल्हे की फौज है उनसे लड़ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये शादी हो, और आखिरकार वो ब्योले की फौज को हरा देते हैं और अपनी प्रेमिका से शादी कर लेते हैं।
अभी हम बैकस्टेज जा रहे थे और यहाँ पे सारे कलाकार हैं और साथ में जो माधव सिंह का रोल कर रहे हैं वो यहाँ खड़े हैं। तो ये श्री माधव सिंह जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रताप सिंह बेंजवाड़ी है, मेरा गांव यही है, मुझे तक रहने वाले हम। अच्छा, काफी अच्छा लगता है। बढ़िया कर रहे हो आप। थैंक यू सर। तो यहाँ पे भैया जी मिले मेरे को जो मलेठा गांव के प्रधान है और सारा मैनेजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। सभी है, टीम है हमारी, तो सभी गांव वाले सहयोग का। सही बात है, टीम के साथ ही होता है। सभी गांव वाले से, मेरा नाम है अंकित कुमार, ग्राम प्रधान मलेठा से। जहाँ पे मेला चल रहा है वीर श्रोमणि माधव सिंह भंडारी जी का, आप सभी जानते होंगे, बहुत बड़े भंडार रहे हैं जिन्होंने अपने बलिदान दिया है, बेटी की कुर्बानी दी है एक नहर के लिए, पानी के लिए, सिंचाई के लिए। उनकी याद में मनाया जा रहा है ये मेला भी। बिल्कुल। तो यहाँ पे भाई जी आ रखे हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद भैया। और लाइक करे, शेयर करे। आपका बहुत बहुत कृपा हो गया आपके। धन्यवाद भैया, बड़ा अच्छा लगा मिलकर आपसे। अच्छा, आप आए तो हमें भी अच्छा लगा सर। तो अभी हमारे साथ हैं यहाँ पे राखी जी जो यहाँ पे शो के एंकर हैं और साथ में जो वीर माधव सिंह भंडारी है उनकी माँ का रोल भी प्ले कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगा देख के हमें। थैंक यू। और मेरे को इस मेले के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, तो धन्यवाद यहाँ पे बताने के लिए और बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुयस, आप बहुत अच्छा काम करना चाह। और सबसे बड़ी बात कि आप इतनी दूर आए और आप कई लोग मलेथा का छंजू मलेथा मर रहे नंदा निशन भैर रंदन, तो आपके ब्लॉग के थ्रू वो भी देख लेते, बहुत अच्छे लग लो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पे आए। थैंक यू। जन्म भूमि माता तेरी जय हो, तो अभी थोड़ा लेट हो रहा है, हम इससे घर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे चूल्हा लेने की सोच रहा था मैं, 350 रुपए का मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि लूना लो क्या लगता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए वरना अंगारे बाहर आएंगे। पर हल्का बहुत है, मेरे लिए बढ़िया है कि गाड़ी में रख दो, पर अभी जो भी रहा मैं छोड़ो। गाइस 100 केक में श्रेयस को गिफ्ट दिला देना है अंगीठी। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात को हम कठुली गांव पहुंच गए थे और उसके बाद बढ़िया खाना खाने के बाद बहुत थके हुए थे तो सो गए थे। और फिलहाल इस व्लॉग का समापन हम यहीं पे करेंगे क्योंकि आज हम जा रहे हैं घंडियाल देवता के मेले में जो कि निचड़ी गांव के पास ही पड़ता है। तो बड़ा मजा आने वाला है आज के व्लॉग में भी। और साथ में आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मलेथा गांव में चल रहा है मेला, वीर माधव सिंह भंडारी जी का मेला, वहां पे भी जाएं आप, क्योंकि उनकी कहानी मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को पता चले। पर अभी भी जैसे हम जैसे जो नौजवान लड़के हैं उनको नहीं पता है, मेरे जैसे बहुत थे पहले, लेकिन मुझे भी अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला था, 3-4 महीने पहले। और साथ में तो ये भी चाहता हूं कि इस चीज पे एक पिक्चर भी बने, शायद बनी भी होगी लेकिन मेरे को उस चीज पिक्चर का पता नहीं है, पर ढंग से एक पिक्चर बननी चाहिए। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है, साथ में कठुली गांव का जो पीछे व्यू आ रहा है ये भी अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को। और अगर आपने इस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबा देना और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर व्लॉग बन के अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में या फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ आप मिलेंगे आपसे अगले घंडियाल देवता व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भद्र विशाल।